हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो भाई साहब, अभी तो आपको पता ही है, माहौल गर्म चल रहा है। बहुत बहुत चलान कट रहे हैं भाई, हद से ज़्यादा चलान कट रहे हैं इस बार। पोटर, ओला, ऊबर सबके चलान कट रहे हैं भाई। और इलेक्ट्रिक अलाउ है या नहीं अलाउ, मुझे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट मैं निकल गया हूँ भाई। रिस्क है तो इश्क है, देखा जाएगा भाई अब क्या कर सकते हैं। बाकी टाइम देखा जाए तो भाई 1:19 हो रहे हैं। मैंने ऊबर की पहली राइड उठा लिया भाई। राइड क्या, पार्सल है भाई, ये है पार्सल बस। तो पार्सल मैंने ऊबर का पिक कर लिया है। अब देखते हैं भाई इसमें क्या मिलता है हमें। कनाट प्लेस जाना है तो ठीक है यार, द्वारका से कनाट प्लेस, मतलब आकाश हॉस्पिटल के पास से मैंने पार्सल पिक किया है और हमें जाना है कनाट प्लेस। यार 241 रुपये दिखा रहा है भाई ऊबर। अब उम्मीद है ये इतने तो देगा ही यार, तो 250 रुपये की राइड छोड़ेगा कौन यार। और इलेक्ट्रिक का यही फ़ायदा है भाई, मैंने फ़ोन रख लिया है जेब में, मैप लगा लिया अंदर, किसी को क्या पता चलना। इलेक्ट्रिक का ये सबसे अच्छा बेनिफिट लगता है मेरे को। आई थिंक ओला में भी यही है शायद सीन, वरना एथर में तो है भाई, इतना पता है मुझे, बाकी किसी का मुझे मतलब नहीं है। एथर में तो ये सीन है भाई गूगल मैप का, और किसी इलेक्ट्रिक में है कि नहीं है मुझे ना ही जानना है, ना ही मुझे मतलब है उससे। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। तो चलो भाई, अपनी गाड़ी में तो इतना बढ़िया फीचर दे रखा है, तो फटाफट करें यार। यहाँ से 20 किलोमीटर बता रहा रास्ता, और 23 किलोमीटर का रास्ता था। मैं लेके आ चुका हूँ, आगे आ चुका हूँ थोड़ा सा। अरे यहाँ से कैसे निकलेंगे भाई, आगे से निकलेंगे ना यार। तो चलो भाई फटाफट चलते हैं यार, और रास्ते में कुछ दिखेगा अगर तो मैं आपको बताऊँगा ज़रूर कि क्या माहौल है, या कोशिश दिखा पाए तो दिखाऊँगा भी ज़रूर। तो बाकी चलते हैं भाई फटाफट, इस पार्सल को डिलीवर करते हैं, वहाँ से देखते हैं क्या मिलता है, और इलेक्ट्रिक का क्या सीन है क्या नहीं। आई होप मैं ट्राई करूँगा भाई, मुझे भी पता चल सके, क्योंकि मुझे भी एग्जैक्ट कुछ पता नहीं है अभी। तभी हम आगे जाके लॉन्ग रूट पे जाना ट्राई कर सकते हैं भाई। बाकी चार्ज तो हम जहाँ ज़रूरत पड़ेगी कर ही लेंगे भाई, एथर का यही एक सबसे बड़ा फ़ायदा है। तो चलो भाई फटाफट पार्सल को डिलीवर करते हैं और देखते हैं इसके बाद हमें क्या मिलता है। चलो भाई, कस्टमर मैम आ गई। मान लीजिए मैम, आपका बैग, वेलकम। एक सेकेंड, चलिए, थैंक यू मैम, वेलकम। तो भाई साहब, हमने ऊबर पे अपनी एक राइड कंप्लीट की भाई, पार्सल था, हम ले आए यहाँ तक। 308 रुपये हमने एक कस्टमर मैम से कलेक्ट कर लिए, और भाई यहाँ पे आके मैं हो गया एक सीन बहुत बड़ा वाला मेरा। भाई साहब, करने तो मैं व्लॉगिंग आया था, और मैंने सोचा भाई बढ़िया सा काम करेंगे आज, और अपना हो गया सीन। पहले ऊबर में मिले कितने भाई हमको, ये देखो देखें, इसलिए मैंने ऑफलाइन कर दिया ऊबर। अरे बाप रे, 271 रुपये मिल गए भाई, 271 रुपये, 241 दिखा के, बढ़िया। क्योंकि पिकअप थोड़ी सी लंबी थी, मैं चला गया था, तो 271 रुपये मिल गए भाई 23 किलोमीटर के। और किसको क्या चाहिए मेरे को भाई साहब। अब हो गया अपना सीन, एथर का टायर पंचर, ये देखो हो गया, ये देखो भाई एथर का टायर गया। अब ये टायर रिप्लेस होगा, क्योंकि कल ही मैंने 2 पंचर लगवाए हैं भाई इस पर, और अब हिम्मत नहीं है पंचर के पैसे खर्च करने की। तो भाई अब ये 271 रुपये जाएंगे अपने टायर में। अब यार मैं आपको बताऊँगा भाई टायर कौन सा बेस्ट है। ये मेरा सेकेंड टायर है भाई, मैं थर्ड टायर है, एक कंपनी के साथ आया था, एक बार मैं बदलवा चुका हूँ, मैं सेकंड टाइम बदलवा रहा हूँ भाई टायर। भाई मजबूरी है, अब क्या करें यार। 23 किलोमीटर के भाई साहब सही पैसे मिल गए यार मेरे को, 271 रुपये। अब चलो कोई नहीं भाई, मैडम को पार्सल दे दिया। अब यहाँ से भाई कस्टमर मैं बिठा ही नहीं सकता, क्योंकि हवा ही नहीं है, टायर जा चुका है भाई, कोई फ़ायदा नहीं ऐसा रिस्क लेने का। भाई साहब ये देख लो टायर, ये टायर मिला हमें भाई, इसका क्या है साइज़ देखे जरा, 90x90x12। ये है भाई, टायर की गुट्टी अच्छी है भाई। कितने का मिला वो वीडियो के एंड में बताता हूँ आपको। टायर तो बढ़िया लग रहा है भाई एथर के लिए, कहने को ये वाला भी है, पर ये इसकी मोटाई कम लग रही है मेरे को, ये बेटर है वैसे। चलो इसको करवाते हैं भाई फटाफट फिट, और देखते हैं फिर कैसे लगती है अपनी गाड़ी। तो भाई साहब देख लो, अपनी एथर खुल चुकी है, टायर काफ़ी गंदी हो गई यार अंदर से। भाई साहब यार, जो मोटर वाली बेल्ट, बेल्ट वाली होती है ना, बेल्ट ड्रिवन गाड़ियाँ होती, चाहे ओला एथर हो गई, और भी पता नहीं शायद कोई हो, उनका ये फ़ायदा है भाई, कहीं भी टायर चेंज करवा सकते हो। और मैंने चेंज कराया भाई MRF के शोरूम पर, तो सही है भाई, अब फटाफट इसको चेंज करवाया टायर को। तो दोस्तों भाई, टायर डलवा के मैं आ चुका हूँ अपने घर, और भाई आज ज़्यादा काम हो नहीं पाया, आपने देखा यार बीच में टायर ने धोखा दे दिया, बैंड बच चुकी है टायर की। तो यार ये जो टायर मैंने डलवाया भाई, डलवाया 1500 रुपये का, एथर का टायर था, थोड़ा सा चौड़ा होता है, 180x12 का के आसपास, बट ये 90 कुछ का है, तो ये थोड़ा सा पतला है टायर,
क्योंकि इसकी गुट्टी थोड़ी मोटी है, वो मैंने कहा यार चौड़ा था बट पतला टायर लग रहा था मेरे को, तो मैंने कहा एक बार रिस्क लेके देख लेते हैं। और ये 1500 का था, वो 1600 रुपए का था डलवा के। और ये जो बेल्ट ड्रिवन गाड़ियां होती है ना, जैसे ओला हो गई या आपकी एथर हो गई, इनके टायर आप कहीं भी डलवा सकते हो, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। और इवन जो लास्ट टाइम मैंने टायर डलवाया था इससे पहले, तो भाई मैंने 1600 का टायर खरीदा था और 250 रुपए सर्विस सेंटर में दिए भाई चेंज करवाने के, भाई मैं पागल बन गया था पूरा सॉरी। तो भाई पर इस बार मैंने चेंज नहीं, ऐसा कुछ नहीं करा, क्योंकि मेरे को 3-4 शोरूमों ने ना मना कर दिया डालने से, तो मजबूरी थी उस वक्त। बट इस बार मैंने डलवाया इनसे और गाड़ी बहुत बढ़िया चल रही है, कोई कमी नहीं है गाड़ी में भाई। तो बेल्ट ड्रिवन जितनी भी गाड़ियां होती हैं भाई, उनके आप टायर कहीं भी चेंज करवा सकते हो, पीछे वाला हो गया आगे वाला हो गया। बाकी देखते हैं टायर कैसा चलता है, जैसा भी होगा रिव्यू मिलेगा आपको। बाकी जो मेरी गाड़ी चल चुकी है भाई 38,000 किलोमीटर, 38,000 किलोमीटर भाई, 2 टायर चेंज करवा चुका हूँ मैं, अब ये तीसरा टायर है, ये भी उम्मीद है यार 15,000-20,000 या 10,000 कुछ तो चली जाएगा आराम से टायर। बाकी भाई टायर ज़्यादा घिसता है ये बाइक टैक्सी की वजह से, बाकी आपको पता है ये है बाइक टैक्सी के खर्चे, मतलब टायर तो घिसना है, चाहे आपकी पेट्रोल गाड़ी हो चाहे इलेक्ट्रिक हो, चाहे आपने ओला ली है चाहे कुछ भी ली है, अगर टायर है कुछ तो घिसेगा। इसमें पेट्रोल इलेक्ट्रिक का कोई मतलब ही नहीं है, टायर तो भाई बाइक टैक्सी में घिसेगा। हाँ ये पार्सल में थोड़ा लाइट वेट हो जाता है, पर भाई दो बंदों से चल रही है गाड़ी तो कुछ भी हो सकता है। जैसा मैंने आपको बताया यार, मैंने करीब 2 पंचर लगवाए थे इसमें, दोनों फेल हो गए, उसके बाद भी हवा निकल गई भाई, तो इससे अच्छा भाई टायर ही डलवा लो। आप भी यार 3-4 पंचर हो जाए ना मैक्स तो डलवा लो, और 3-4 पंचर इस टायर में लग चुके हैं, तो मैंने रिस्क लिया ही नहीं उसके बाद। 1500 का टायर है भाई, डलवाओ और काम करो, वरना भाई मेरी तरह हाल होगा, काम करने जाओगे टायर फुस हो जाएगा, फिर कहीं ना कहीं मजबूरी में पंचर लगवाना पड़ेगा घर आने के लिए, फिर उसके बाद वो भी नुकसान। तो इससे अच्छा जितने 3-4 पंचर हो उसके बाद टायर चेंज करवा लो यार, कोई फायदा नहीं। गर्मी में तो और बुरी हालत है, ठंड में फिर भी चल जाए, गर्मी में बहुत बुरी हालत है, बारिश के टाइम पे भी बुरी हालत है। तो चलिए दोस्तों भाई इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ये टायर आपको कैसा लगा एथर का आपने बताना मेरे को, और इसके आगे मैं एथर पे कुछ नया लगवाऊंगा तो जरूर उसकी वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।